विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्क तिवारी अपना पंजीयन का सभी जनन का प्रणाम करी थे। जैसा कि अपना पंजीयन का मालूम है कि रोज हम मेडिकल बुलेटिन लेके अपना पंजीयन के बीच रात 9 से 10 के बीच में पहुंची थे, या जो अपडेट होती रात 8 बजे तक के अपडेट अपना पंजीयन तक हम लेके आई थे। अपना पंजीयन को बताया दी कि मध्य प्रदेश के 52 जिला में 48 जिला में ये कोरोना संक्रमण के अपन प्रभाव छोड़ चुका है। अब सिर्फ मध्य प्रदेश में 52 जिला में 4 जिला रिक्त हैं, मतलब शेष है जो ने भाई ये संक्रमण अपन पैर नहीं पसार पावा है। अपना पंजीयन का यदि विंध्य के बात की जाए तो कल जो में कोरोना के विस्फोट भा है विंध्य में, वह बेहद एक चिंतनीय विषय है जो ने माँ सरकारन का सोचे चाहिए, जिला प्रशासन का, स्थानीय प्रशासन का सोचे चाहिए। मतलब एक बड़ी खबर है कि कहों कहों चिंतित करे वाली खबर है। काहे कि प्रवासी के जब से आबे के सिलसिला शुरू हुआ है तो यह कहों कहों एक बड़ी इजाफा संख्या में देखे को मिला है ये कोरोना संक्रमण के। जो मैं अपना पंजीयन बताई दी कि अब जो है विंध्य में कुल जो है 48 केस हैं, सतना में 10 हैं, रीवा में 25 हैं, शहडोल में 3 हैं, अनूपपुर में 3 हैं, सीधी में 5 हैं, सिगरौली में 1 हैं, उमरिया में 1। मतलब अपना कुल मिला के समझ ली विंध्य जो है पूरी तरह से चपेट में है ये कोरोना संक्रमण के। कुछ हद तक जो है कुछ मरीज जो है ठीक भेड़े हैं, किंतु कुछ मरीजन के रिपोर्ट फिर से पॉजिटिव आई है तो यह बेहद चिंताजनक विषय है। कहे कि डॉक्टर सिंघल के जो बेटी हैं तनिषा सिंघल, उनका रिपोर्ट जो है पहले निगेटिव हो गई, उनका घरे माँ जो है भेज दिन का रहा, पूरा कंटेनमेंट जोन खाली के दिन का रहा, फिर उसके बाद फिर से शाम की रिपोर्ट पॉजिटिव आई जाती तो उनका फिर से वहाँ से ले आई के आइसोलेशन वार्ड में रखा जाता है। तो कहो एक बड़ी लापरवाही है कि मतलब एक इंतज़ार प्रशासन नहीं करे, चाहे तुरंत रिपोर्ट आई तुरंत भेज दीस और फिर से रिपोर्ट पॉजिटिव आ गया तो फिर से ले आवे पड़ा। तो ओके दौरान में वो 10 व्यक्तियों के संपर्क में ही, तो एक बेहद कहो ना कहो एक लचर रवैयो है इतनी गंभीर बीमारी में, इतनी गंभीर कहो ना कहो मुद्दा में इतना लचर रवैया ना हो चाहिए। किंतु अपना पंजीयन का अब या जिला के मध्य प्रदेश के हाल, फिर विंध्य के हाल, फिर अब जो है सीधी जिला के मेडिकल रिपोर्ट बताई थे मेडिकल बुलेटिन का ही आज के आज दिनांक तक कुल जो है मेडिकल टीम के द्वारा जो QRT टीम के द्वारा स्क्रीनिंग की गई ही ओकर संख्या 49,270। कुल उपलब्ध नॉन कॉन्टैक्ट थर्मामीटर 101 जो कल रही संख्या हुए आज ही, उक्त में से बाहर से आए जो मजदूरन के स्क्रीनिंग कीन गए 24,805। उक्त में कफ और खांसी से पीड़ित 1,759 लोग, कुल सैंपल जो लीन गए हैं आज तक जो है 330, प्राप्त रिपोर्टन के संख्या 270, कुल कोरोना संक्रमित जो संक्रमित सीधी के हैं उनकर संख्या है 5, कुल कोरोना असंक्रमित व्यक्ति जेकर निगेटिव आई है रिपोर्ट 262, कुल अमान्य जो रिपोर्ट रिजेक्ट हो गई ही उनकर संख्या है 3, लंबित कैठे रिपोर्ट है 60, अपना एमत होकर अभी ध्यान रखा, कुल संक्रमण के स्वस्थ होकर डिस्चार्ज होने वाले संख्या 0, और होम क्वारंटाइन में मरीजन के संख्या होम क्वारंटाइन में 13,106 लोगों का होम क्वारंटाइन किन गया है। संस्थागत जो है क्वारंटाइन सेंटर में मरीजन की संख्या है 96। 60 रिपोर्ट के अभी तक जानकारी नहीं प्राप्त भया है कि वह संक्रमित है व्यक्ति की असंक्रमित है, मतलब उनका संक्रमण नहीं है। कहे कि एक बड़ी धीमी रफ्तार से जो जांच प्रक्रिया चल रही है, लगभग 3 दिन से इंतजार की इंजाल लग है कि तेजी से थोका रिपोर्ट के आवे। और अब अपना पंजीयन बता दी कि हिनौती वाला व्यक्ति जो सिहावल विधानसभा के रहा, सिहावल तहसील के रहा, वह व्यक्ति के अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है। लोग जो है सोशल मीडिया में गलत अफवाह फैला रहे हैं कि वह व्यक्ति जो है उसका रिपोर्ट पॉजिटिव आई गई ही या फिर कुछ हुआ, तो वह व्यक्ति के अभी तक कौनों रिपोर्ट नहीं आई। सीधी माँ पचहू जो संक्रमित व्यक्ति हैं उनकर जो है स्वास्थ्य स्थिर है, कौनों में के स्वास्थ्य में गड़बड़ी नहीं आए। युवक जो हैं पचहूँ वह एसिम्प्टोमेटिक लक्षण वाले हैं, मतलब पहल चरण जो है कोरोना के वह वाले हैं, कहे कि उनका सिम्टम्स नहीं दिखाई दिन जान लगा है। और जो उम्र है तो उम्र लगभग लगभग सबके एक अच्छी एंटीबॉडी मेंटेन करे वाली है, मतलब जे कहो न कहो एक इम्यूनिटी पावर अच्छी है उनके अंदर, ते वजह से अभी तक सब खतरे से बाहर हैं। प्रशासनिक तौर में एक पुष्टि है कि युवकन के स्वास्थ्य बेहद अच्छा है, कोनो में के अभी तक विशेष निगरानी की आवश्यकता नहीं पड़ी है। यह तो रही सीधी के मेडिकल बुलेटिन और अपडेट लेके अपना पंजीयन तक हम बीच बीच में आवत रहा। और जो विशेष खबर हुई मेडिकल बुलेटिन तो रोज अपना का हम ऐसा बताई थे, जो बड़ी खबर होती वह दे के प्रयास करी थे, देर रात तक दे के प्रयास करी थे,
किंतु सवाल यह है कि यह कोरोना संक्रमण से आखिर छुटकारा कब। तो उनकी खेती रबे कौन ऐसा निश्चित नहीं है डेट कि इतने दिन बाद यह कोरोना संक्रमित संक्रमण के जो इतिहास है या खत्म हो जाए या कोरोना संक्रमण के काल खत्म हो जाए। तो ऐसे हम अपना अपन बहुत ख्याल रखी, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखी, बहुत जरूरी हो तब घर से बाहर निकली। कहे कि बाजार अब पूरी तरह से खुल चुका है, बाजार में गांवों के लोग आवत थे, शहरों के लोग आवत थे, तो एक बेहद जो है वहाँ भीड़ भड़का के माहौल रहा था, लापरवाही लोग कर रहे थे। तो कोशिश यह करी कि बहुत जरूरी हो तब अपना घर से बाहर निकली, और घर से बाहर निकली तो मुँह में मास्क, हैंड सैनिटाइजर साथ में ली, और सोशल डिस्टेंसिंग के बहुत ज़्यादा पालन करी। कहे कि यह जो है तीन सूत्र पर पूरा यह कोरोना जो है संक्रमण के आधार है, और कोरोना संक्रमित अपना तबे बच सकी थे कि इतनहू नियमन के कानूनन के या फिर अपना कही कि यह सब पाबंदीन के पालन करे पड़ी तबे जाए के हम यह कोरोना से जंग जीत पाओ। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।